स्लेट ट्वेंटी फाइव के फॉर्म सर आउट सो मेनली स्लेट का फॉर्म भरना कैसे है लास्ट इसके कट ऑफ क्या थे आपकी प्रेफरेंस क्या होगी और कौन सी वो मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है स्लेट का फॉर्म भरते टाइम ऑल्सो क्यों मैं हर क्लैट एक्सपैरेंट के लिए रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्लेट का फॉर्म भी भरना चाहिए विल बी डिस्कसिंग एवरी थिंग इन टूडेज़ वीडियो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम एकांश सैन है मैं एच रूल रायपुर सलमन हूँ और क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हर साल स्लैट क्लियर करने में हेल्प कर रहे हैं ए लेट एम एस सी टी स्लैट क्राइस्ट अदर लॉ एंट्रेंसेज जैसे एग्जाम्स को क्लियर करने में हेल्प कर रहे हैं वी गाइड फॉर काउंसलिंग एज वेल एन एल यू की वेकेंसी की काउंसलिंग होती है जो काउंसलिंग नॉर्मल होती है वो स्पॉट ट्राउंड एनआर स्पॉसर्ड के प्लस अदर लॉ एंट्रेंसेस की काउंसलिंग एंड विद गॉड गेस हर साल टू हंड्रेड प्लस बच्चों के सिलेक्शन सी एम पी से एन एल यूज़ में होते हैं एंड स्लेट में भी लास्ट एय वी हैड 700 प्लस प्लस इंक्लूडिंग 150 सिलेक्शन इन एस पुणे एंड वी हैड सिलेक्शन 100 प्लस क्राइस बैंगलो बैंगलोर, एनआईएमएस एंड एमएससीटी एस सी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक मेजर चेंज हुआ है हर साल जो स्लेट का एग्जाम हमारा मई में, में शेड्यूल होता था इस बार दिसंबर में शेड्यूल है यस yes, क्लैट का एग्जाम हमारा कब है फर्स्ट ऑफ दिसंबर 8th ऑफ दिसंबर को हमारा एलेट का एग्जाम है एंड देन और 15th ऑफ दिसंबर को हमारा स्लेट का एग्जाम है पहली बार दूसरी बात जैसे एग्जाम से हमें एन ऑफ़र होते हैं हमारे लिए एलिट के एग्ज़ाम से दिल्ली ऑफ़र होता है वैसे ही स्लेट के एग्ज़ाम से इंडिया का जो टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज है वैसे सिम्बोसिस पुणे वो हमें ऑफ़र होता है सिम्बॉसिस पुणे के अलावा सेम्बोसिस नोएडा हैदराबाद और नागपुर भी हमें इसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम से ऑफ़र होता है अब इस बार जो हमारा एग्ज़ाम है उसके फॉर्म की लास्ट डेट है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ नवंबर तो ऑफ अगस्त से ट्वेंटी सेकेंड ऑफ नवंबर तक आराम से स्लेट का फॉर्म भर सकते हैं पहली बार दूसरी बात हमारे जी दो एग्जाम क्यों हो रहे हैं सर स्लैड में तो एक ही एग्जाम होते हैं स्लैट के जो दो एग्जाम हैं इसमें आप दोनों एग्जाम के लिए अपेयर करना ये मेरा सजेशन है अब मान लीजिए अपना फर्स्ट एग्जाम जो थर्टींथ ऑफ दिसंबर को है उसमें आपके थर्टी मार्क्स आते हैं सेकेंड एग्जाम जो फिफ्टीथ ऑफ दिसंबर को है उसमें आपके फोर्टी मार्क्स आते हैं तो आपके जो हाइएस्ट मार्क्स होंगे दोनों पेपर में उसको कंस्ट्रक किया जाएगा एग्जाम्पल के से लें तो 35 मार्क्स में आपका इसलिए कट ऑफ क्लियर नहीं होगा फोर्टी फाइव मार्क्स में आपका एसलेस पुणे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा क्योंकि 37 मार्क्स कट ऑफ होता है एसलेस पुणे के लिए क्लियर है तो दोनों एग्जाम हमें देने पहली बात दूसरी बात जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है किसी भी हालत में पहली चीज हम सारे कैंपस लेकर चले पहले क्या होता था क्लैट दिसंबर में हो जाता था जनवरी तक हमें पता होता था कौन सा रेल्यू हमें मिल रहा है कौन सा नहीं मिल रहा उस हिसाब से हम फॉर्म्स भरते थे राइट पर इस बार आपको एक चीज ध्यान रखनी है क्योंकि हमारा क्लैट ही दिसंबर में है और हमारे स्लैट के फॉर्म पहले बंद हो जाएंगे तो हमारा कुछ क्लियर नहीं है तो हमें सारे कैंपसिस के फॉर्म्स अप लेकर चलो सारे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कम से कम भी आपका से पुनिया नोएडा का तो भरना ही भरना है अब फॉर्म की जो फीस है वो ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी है पहले तो अगर आप पहला दिन का एग्जाम दोगे ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी और दूसरे दिन का भी एग्जाम दोगे तो ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी तो टोटल फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज तो आपके सिर्फ एग्जाम देने की फीस हो गई अब इसके लिए आप कौन कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो उन कॉलेज कौन कौन से कोर्सेस आप टारगेट कर रहे उसके 1, है। का 1, 000, BBLB, तो 2, हो उसकी एस एस पुने के बी एल एल बी काउजेंड आपकी फॉर्म की फीस होगी स्लैट की एंड देन हर कैंपस के टू थाउजेंड आप जोड़ोगे तो टोटल तो, ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का फॉर्म फिल होगा आप नागपुर नहीं भरोगे तो टेन लगेगा हैदराबाद नहीं भरोगे तो एट थाज वॉट टोल्ड यू अब बी और बी बी एल एल बी आपको दोनों फिल करना चाहिए वाई रिकमेंडिस एसलेस पुणे में टोटल थ्री हंड्रेड सीट्स हैं बी ए की वन ट्वेंटी और बीबीए की वन एट्टी सीट्स हैं अब इन दोनों में से अगर आपने से बी ए भरा तो प्रॉब्लम है आपसे वन ट्वेंटी सीट के लिए क्वालिफाई करोगे बीस हजार बच्चे लिख रहे हैं आपके स्लैट के एग्जाम को मतलब क्लैट कितने लिखते हैं सेवेंटी थाउजेंड उसका थर्टी थर्टी फाइव परसेंट हो गया बीस हजार बीस हजार बच्चे लिखना बीस हजार बच्चों में से तीन सौ टॉप में आना पड़ेगा आप वन ट्वेंटी में बस आओगे तो दिक्कत है तो दोनों भरी है बी ए बी बी एल बी सर मैं तो साइंस से हूँ मैं कॉमर्स से हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं भी साइंस से था मैं एच रायपुर गया ना विद गॉड गेस टन ट्वेंटी फिफ्टीन में मेरी फाइव फिफ्टी नाइन आई थी एच रायपुर हमने बी एल एल ले भी पढ़ा मैं साइंस से था एन एल यू में जाने वाले सेवेंटी परसेंट बच्चे साइंस के होते हैं हर कोई पढ़ रहा है आप भी पढ़ सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऑप्शन आपका मत करना दूसरी गलती करते हैं बच्चे भैया प्रेफरेंस कैसे भरूँ प्रेफरेंस आपकी कैसे होगी एसले पुणे की वैसे इस पुणे का बी एल एल भी सबसे ऊपर फिर बी बी एल एल बी फिर आएगा एस एस नोएडा का बी एल एल बी फिर बी बी एल एल बी फिर आएगा हैदराबाद का बी एल एल बी फिर बी बी एल गोज फॉर नागपुर तो ऐसे ही आप अपनी प्रेफरेंस प्रफ्रेंस भरोगे यहाँ तक क्लियर है चलो आगे चलते हैं फॉर्म फीस क्लियर है यहाँ पर एक रिजर्वेशन भी है एसी, एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी और डिफेंस ये चार कैटेगरी के, के बच्चों को रिजर्वेशन है तो जब आप फॉर्म भरेंगे इस चीज़ का ध्यान रखना दूसरी चीज़ जब आप फॉर्म भरेंगे एक और चीज़ ध्यान रखना टेस्ट सेंटर्स का बिकॉज हमारे दिसंबर के फर्स्ट वीक में क्लैट है दिसंबर के सेकंड वीक में एलेट है थर्ड वीक में हमारा स्लैट है फोर्थ फिफ्थ वीक ऑफ मतलब जनवरी का फर्स्ट वीक में हमारा एल सेट है उसी मंथ में हमारा क्राइस्ट भी है फेबर में हमारा एन मुंबई का एग्ज़ाम है लंबे से बहुत सारे एग्जाम्स हैं तो प्लीज़ प्रेफरेंस आप सही से रखना सेम सिटी में रखना टेक एक एग्जाम्पल भोपाल से आते हो तो भोपाल ही रखना क्लैट का एलेट का स्लेट सब का जिससे आपको दिक्कत ना हो दूसरी चीज़ स्लेट का जो एग्ज़ाम है वो सेंटर बेस्ड एग्जाम है सेंटर बेस्ड एग्जाम का मतलब ऑनलाइन है सेंटर में जाकर आपको देना पड़ेगा अब लास्ट के कट ऑफ क्या गए थे हमारा फॉर्मेट क्या होता है एग्जाम के लिए पेपेयर कैसे करना है वो हम डिस्कस करते हैं उससे पहले नीचे जो डिस्क्रिप्शन आप क्लिक करोगे नीचे आप अगर स्लेट के स्प्रेंट हो स्लैट एग्जाम दे रहे हो वहाँ पर हमने स्लैट ट्वेंटी फाइव ग्रुप की लिंक दी है उसको आप ज्वाइन करिए उसके नीचे हमने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है उसको आप ज्वाइन करिए क्यों ज्वाइन करिए बिकॉज यहाँ पर आपको पास है इसके पेपर पासिस के कट ऑफ्स हमारा पूरा जो सी वी क्योंकि एग्ज़ाम में सी वी भी होता है इंटरव्यू होता है वो सब क्वेश्चन हमें मिलेंगे और आपको सीनियर्स भी मिलेंगे एस एस पुणे के नोएडा के जो सीनियर्स हैं वो दिल भी और मैंटर आपको एग्ज़ाम में गाइड करने तो everyone, के लिए सब मिलेंगे दिस ग्रुप्स आर ओपन फॉर एवरी वन फ्री हैं सबके लिए आप आराम से नीचे ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं नाउ दूसरा अगर आप क्लैट लिख रहे हो तो क्लैट ग्रुप्स के लिंक भी हमने दिए हैं आप एलेट एग्जाम दे रहे हो आप एलेट ग्रुप तो जितने भी लॉ इंट्रेंसेस होते हैं क्लैट ए लेट एम एस सी टी स्लीट क्राइस्ट एन आई एम एस मुंबई के लिए एन आई एम एस स्ट एल सेट उन सब एग्जाम्स के ग्रुप हमने नीचे दे दिए हैं आप उन पर रिक्वेस्ट सेंड कर दो उन पर ना रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी एकदम से आप जॉइन नहीं कर पाओगे तो आप रिक्वेस्ट सेंड कर दो एट द सेम टाइम मुझे व्हाट्सएप कर दो कि सर मैं कौन कौन से एग्जाम आप लिख रहे हो मुझे एक बार टेक्स्ट दो व्हाट्सएप के सर मैं स्लेट लिख रहा हूँ ए लिख रहा हूँ उन ग्रुप पर मैं आपको ऐड कर दूँगा आप स्लेट भी लिख रहा हो वो क्यों जरूरी है बिकॉज हो सकता है कि कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा देख रहा हो कोई सेकंड ईयर का बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो उनके तो कुछ काम के ग्रुप्स है ही नहीं ये है एक्सपीरियस के लिए ना तो आप एक्सपेरेंट है तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिए वे लाइड ना ग्रुप यहाँ तक क्लियर है चलो आगे चलते हैं अब एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि आप जब इन ग्रुप्स का पार्ट बनेंगे तो आपको यहाँ पे सारे अपडेट्स आते जाएंगे क्विक अपडेट्स क्योंकि हर एक चीज के लिए वीडियो नहीं बन सकता कुछ अपडेट है एग्जाम में शेड्यूल हो रहा है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सब ग्रुप पर आएगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जो भी बच्चे इस ग्रुप को देखें मतलब वीडियो को देख रहे हैं मुझे टेस्ट करें व्हाट्सएप पर मैं उनको स्लेट ग्रुप पर ऐड कर दूंगा चलिए आगे चलते हैं अब एक और चीज़ है स्लेट के कट ऑफ्स क्या थे लास्ट ईयर एस पोनी का कट ऑफ था थर्टी सेवन मार्क्स एस एस नोएडा का कट ऑफ था ट्वेंटी फाइव मार्क्स ट्वेंटी टू मार्क्स कट ऑफ था एस एस हैदराबाद का और ट्वेंटी मार्क्स कट ऑफ था एस एस नागपुर का सर ये कट ऑफ क्यों ये इसलिए जब आप एग्जाम देते हो एग्जाम के बाद आप सी वी सबमिट करते हो सी वी सबमिट करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है तो आप कौन से कैंपसेस के इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई करोगे ये आपका कट ऑफ डिसाइड होता है आपको एक्जाम्पल देता हूँ अगेन 35 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप एसले पुणे का इंटरव्यू नहीं दे पाओगे आप नोएडा हैदराबाद और नागपुर को दोगे आपके 25 मार्क्स आए आप नोएडा का नहीं दे पाओगे आप सिर्फ हैदराबाद और नागपुर को दोगे 20 मार्क्स है तो सिर्फ नागपुर का इंटरव्यू दोगे समझ आ गया तो कम से कम जितने मार्क्स हमें चाहिए सिक्सटी मार्क्स का पेपर है कम से कम फोर्टी मार्क्स आपको लाने मतलब फोर्टी प्लस मार्क्स कम से कम टारगेट करो यहाँ पे एक और चीज है एक बच्चा मुझे याद है उसने क्या करा था उसने थर्टी नाइन मार्क्स आए थे उसके कट ऑफ कितना था एस एस पुणे का थर्टी सेवन फिर भी उसका एसलेस पुणे नहीं मिला था उसको क्यों क्योंकि उसने तो फॉर्म में सिर्फ बी एल एल भी फिल करा था बी ए का कट ऑफ था फोर्टी मार्क्स बीबीए का कट ऑफ 37 सेवन वो पुणे में होना चाहिए था आज वो नोएडा में पढ़ रहा है ये गलती आप मत करना कई सारे बच्चे कहते भैया मैं नोएडा को परफेंस ऊपर कर दूँ हरी इसलिए पुणे और नोएडा में बहुत बड़ा डिफरेंस है जस्ट बिकॉज मैं दिल्ली से आता हूँ लखनऊ से आता हूँ तो मुझे नोएडा पास पड़ेगा पास का कॉलेज में देखो अच्छा कॉलेज देखो एग्जाम्पल तो एन एल एस मिल रहा हो और आपको सोनीपत मिल रहा हो अब दिल्ली से आते हो तो सोनीपत जो ना लोगे आप बैंगलोर लोग ग्रेट कॉलेज दिस इज हाउल स्पी सिलेक्टिंग ठीक है आगे अब पेपर सिक्सटी मार्क्स का होगा ट्वेल्व ट्वेल्व मार्क्स के पाँच सेक्शन होंगे पहला सेक्शन होगा लीगल रीजनिंग दूसरा सेक्शन होगा रीडिंग कॉम्पिटेशन इंग्लिश तीसरा होगा लॉजिकल रीजनिंग चौथा होगा एनेटिकल रीजनिंग और पाँचवा आपका होगा जी इस पूरा एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कैसे आपको तैयारी करनी है ठीक है अब जब आपका एग्जाम हो जाता है आपको सी सबमिट करनी पड़ती है तो एग्जाम हो गया मान लो आपके फोर्टी मार्क्स हैं आपको चारों कैंपस के लिए आप सिलेक्ट हो गए अब आपको सी सबमिट करनी पड़ेगी सी क्या होती है सी का सिंपल सा मतलब है मैंने फिफ्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक जितने भी मेरे अचीवमेंट्स हैं एकेडमिक अचीवमेंट्स मैंने कल्चरल कुछ एक्टिविटी पार्ट लिया हो डांस जूडो कराँटे खेलता हूँ स्पोर्ट्स खेलता हूँ स्काउट एंड गाइड में रहा हूँ एन में रहा हूँ कोई वर्कशॉप करा हो कोई कोर्स करा हो कुछ भी करा हो जो आपको थोड़ा सा बेटर बनाता है बिकॉज सिम्बॉइसे सिर्फ एकेडमिक ओरिएटेड बच्चे नहीं ले रहे हैं दे आर ऑलसो कॉन्फिडेंट कि थोड़ा कल्चरली एक्टिव हों थोड़े डाइवर्स स्टूडेंट्स हों है ना तो इसलिए आपको सी बनानी पड़ती है सी सबमिट होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है लास्ट ईयर तो एग्जाम हो गए थे मई में, में जून में बच्चों का इंटरव्यू होता है इंटरव्यू में क्या होता है प्रॉपर आप घर से इंटरव्यू देते हो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में कोट ओट पहन के बैठते हो और वहाँ से दो तीन फैकल्टी सामने रहते हैं आपसे पूछते हैं आपके सीवी के बारे में मान लो आपने लिखा है कि आपने कोई कोर्स करा है कौन सा कोर्स करा है लैंग्वेज पे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करा है तो वो सब पूछ सकते हैं उसके बारे में आपने सीवी में कुछ लिखा है कि आपको स्पोर्ट्स खेलते हो कि आई हैव रिप्रेजेंटेड माई स्कूल इन चेस चेस के रूल्स पूछ सकते हैं चेस के टॉप फाइव प्लेयर पूछ सकते हैं आपके बारे में पूछेंगे बेसिक क्वेश्चन पाँच हैं वाई वी सो सेलेक्ट यू टेलस अबाउट योर सेल्फ टेलस अबाउट अ फैमिली व्हाट्सअप प्लान आफ्टर फाइव ईयर वाई सिम्बॉइसिस पुनिंग एंड वाई लॉ ये पाँच क्वेश्चन इसके अलावा बीसों क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पर शो भी हो रहे होंगे और जब आप मुझे व्हाट्सअप करोगे मैं आपको सिम्बॉइसिस की सी वी का फॉर्मेट भेज दूंगा साथ में आपको सेलेक्ट की पास इसके इंटरव्यू क्वेश्चन भेज दूंगा क्लियर है यहाँ तक इसलिए जस्ट टेक्समैन व्हाट्सएप विल गेट एक्सेस टू तो ऑल दिस थिंग थी। चलो अब इसके बाद एक और चीज़ है हर साल हम स्लेट के लिए गाइड करते हैं और स्लेट सेम्बोसिस पुणे में साल वन फिफ्टी प्लस बच्चे होते हैं मतलब तीन सौ का बैच है और हाफ फिफ्टी परसेंट ऑफ बैच सी एम पी बैचेस से बच्चे सेलेक्ट हुए थे हम सेम्बोसिक्स के एग्जाम की तैयारी कराते हैं इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं एंड वी गाइडेड फॉर द सी वी एस वेल सी वी कैसे बनानी है ना हर एक चीज के लिए गाइड करना है सी वी में मान लो कुछ भी नहीं है क्योंकि सी वी हमें अभी से बनाना शुरू करनी पड़ेगी एकदम से नहीं कि दिसंबर में एग्जाम हो जनवरी में सी वी बन जाएगी नहीं मान लो कोई सी वी आपकी देखो आप मुझे सी वी भेजोगे अपने अचीवमेंट्स भेजोगे मैं बताऊंगा कि यार ऐसे अचीवमेंट चाहिए तो मैं आपको एक सिम्बोसिस पुणे में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी मैं सी वी आपको व्हाट्सएप कर दूँगा जब आप मुझे टेक्सट करोगे उस सी वी को देखना और बोला कि हाँ सर मेरे पास सफिशेंट सर्टिफिकेट है कोई जरूरत नहीं है फिर हम उस सी के साथ जाएंगे आप कि सर इतनी अच्छी मेहनत तो है नहीं तो हमें कुछ कुछ चीज़ें भी करनी पड़ेंगी अगले दो चार महीनों में विल डू दैट तो एक बार ध्यान से मुझे सी के लिए टैक्स कर दीजिएगा तो वी गाइडेड फॉर देट यू नो पूरा आपके लिए थाउजेंड रुपीज़ का बैच होता है अगर आप सिम्बॉसिस की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं सर मैं स्लाइड भी लिख रहा हूँ मैं क्राइस भी लिखूंगा एम भी लिखूंगा तो सारे एग्जाम्स की तैयारी हम टू थाउजेंड वाले बैच में कराते हैं सिम्बो से सबके लिए तैयारी थाउजेंड रुपीज वाले बैच में हो जाएगा कैसे ज्वाइन कर सकते हो बैच को नीचे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा नाइन टू फोर जीरो टू एट जीरो फाइव थ्री थ्री उस पर आप टेक्स करिए विल गाइड यू फॉर द फॉर अर प्रेपरेशन फॉर स्लैट इंटरव्यू सी वी हर एक चीज़ के लिए वी गाइड फॉर क्लैट एस वेल तो अगर आपके क्लैट में आप इफ इफे डिफिकल्टी इन स्कोरिंग मार्क्स एक बार टैक्स करो व्हाट्सएप पे विल गाइड यू फर्दर ठीक है तो ये आज का वीडियो था वेर हाईव एक्सप्लेन यू अबाउट द स्लैट इस बार का पैटर्न इस बार का अपडेट्स नॉट स्टेट कट ऑफ एवरीथिंग आगे के जो सेशंस होंगे जो वीडियोस होंगे वो बहुत आपके काम के होंगे मेरे पास दो तीन क्वेरी हैं जिनको मैं कुछ नहीं आंसर कर देता हूँ सर सेम क्वेरी थी मैं एसलेस पुणे से आता हूँ मतलब मैं दिल्ली से आता हूँ तो मैं नोएडा को पा रखूँ या पुणे को पुणे को ऊपर रखिए दूसरा सर एसलेस पुणे कौन से एन से बेटर है हमारे टॉप टेन एलेवन जो एन एल यूज़ हैं उनके बाद जो सोनीपत औरंगाबाद हिमाचल जो लोअर एन एल यू हैं उन सबसे बेटर है एसलेस पुणे के साथ मतलब मैं क्लैट का एस्पैरेंट हूँ सर मुझे और कौन से एग्जाम्स टारगेट करने चाहिए क्लैट का एग्जाम दो एलिट का एग्जाम दो एम एस सी टी स्लैड क्राइस एन एम एस और एल सेट ये कुछ एग्जाम्स आप दे सकते हो सर so, क्लैट में एनआरआई स्पॉन्सर्ड मार्क कर सकते हैं यस yes. मैं हर क्लैट एस्परेंट को सजेस्ट करता हूँ कि आपको क्लैट के फॉर्म में एन आर स्पॉन्सर्ड मार्क करना चाहिए ठीक है तो वो एक बार आप मार्क कर सकते हैं देखो देखो क्लैट में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसलिए मान लो आप क्लैट लिख रहे हो तो क्लैट के काउंट नीचे ना आपको क्लैट ट्वेंटी फोर फाइव के ग्रुप मिल जाएंगे एलेट के ग्रुप मिल जाएंगे स्लैट के मिल जाएंगे सर मैं क्राइश लिख रहा हूँ उसका ग्रुप भी मिल जाएगा एनआईएस है उसका ग्रुप भी मिल जाएगा अब सर मैं क्लैट में एन आर आई मार्क करना चाहता हूँ बच्चे क्यों एनआर स्पॉसर्ड मार्क करते हैं क्योंकि एन आई स्पॉन्सर्ड मार्क करने से कम रैंक पर भी आपका एन में एडमिशन हो जाता है एग्जाम्पल मैं आपको दूँ इस बार जनरल अगर नॉर्मल कोई बच्चा है उसको बारह सौ तेरह सौ रैंक चाहिए उड़ीसा में एडमिशन के लिए पर एन आर आई स्पॉन्सर्ड के तरीके से उसका एडमिशन थर्टीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड रैंक तक भी इस बार हुए हैं एन आई भोपाल में एडमिशन के लिए कितनी रैंक चाहिए चार सौ पाँच सौ एल आई भोपाल का बी एस सी में एन आई स्पॉन्सर से थर्टी थ्री थाउजेंड रैंक तक एडमिशन हुए हैं तीस चालीस मार्क्स आए थे उस बच्चे के इसलिए एनआई स्पॉन्सर्ड काम का होता है तो नीचे मैंने ग्रुप दे दिया है एनआई स्पॉन्सर्ड काउंसलिंग ग्रुप होगा उसको ज्वाइन कर लो ग्रुप्स आर ओपन फॉर एवरी वन इव एन ज्वाइन देट ग्रुप ठीक है ये आज का वीडियो था और कुछ आपकी क्वेरी हो मुझे आप टेक्स करिए मैं आपके टेस्ट का वेट करूंगा कि सो दैट आप मुझे टेक्स करो आई एम स्लेट एक्सप्रेन जस्ट राइट आई एम स्लेट एक्सप्लेन मैं आपको आगे ग्रुप्स ग्रुप एड करूंगा मेडल प्रोवाइड कर दूंगा सी वी एन ऑन एन विल बी हैप्पी टू गाइड यू फॉर द थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसी चैनल पर बहुत जल्दी कंप्लीट वीडियो आएगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्लैट सी बता देंगे इंटरव्यू बता देंगे हर एक चीज़ हम इसमें बता देंगे थैंक यू सो मच बा बाय टेक केयर शफ है